वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी मॉर्निंग का 8 बज रहा है, 8:30 बज रहे हैं, 8 नहीं बज रहा है। तो मैंने ब्रश व्रश कर लिया है एंड फेस वॉश वगैरह करके अपना स्किन केयर भी मैंने कर लिया है। बारी आती है हेयर को कॉम करने की, क्योंकि दिन में कम से कम 2 बार हेयर को कॉम करना ही चाहिए, वरना काफ़ी ज़्यादा डिटेंगल हो जाते हैं हेयर्स भी। तो मैं एक मॉर्निंग एंड नाइट में दोनों इंश्योर करती हूँ कि 2 टाइम तो मैं कॉम करूँ ही करूँ। अदरवाइज़ कभी कहीं बाहर जाना रहता है अर्जेंट बेसिस पे या कहीं पर भी जाना रहता है, मैं तब भी कॉम कर लेती हूँ, बट ये 2 टाइम तो मेरा कन्फर्म से है। एंड हमने हेयर को कॉम भी कर लिया है, तो अब हम पहले अपने घर के काम कर लेंगे। पता नहीं गले को क्या हो गया, खराश हो रही गले में। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने अपना स्किन केयर भी कर लिया है एंड अपने हेयर को भी कॉम कर लिया है, तो अब हम अपने घर के काम करेंगे। अभी बच गया है 10 एंड अभी तक के मैंने कुछ बनाया नहीं है, ना ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाया है, ना कुछ खाने के लिए कुछ बनाया है। तो ना मेरे को बहुत तेज से भूख लग रही है, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी घर में कोई भी नहीं है, बस मेरी सिस्टर है और मैं हूँ। एंड मेरी सिस्टर की भी तबीयत ख़राब है, तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मेरे को कुछ अच्छा खाने का मन था, बट अब उसकी तबीयत ख़राब है तो मैं कुछ अच्छा बना नहीं सकती हूँ। दलिया कैसा रहेगा? ठीक है, देखते हैं क्या बनाते हैं। फाइनली मैंने यहाँ बनाया है दलिया, मैंने सोचा दलिया ही बेटर रहेगा, जिसकी तबीयत भी ख़राब है तो। एंड यहाँ पर मैंने मंगाया है एक कोकोनट बटर, दिखाती हूँ। तो ये कोकोनट वाटर भी मैंने मंगवा लिया है, तो कोकोनट वाटर भी अच्छा रहेगा। तो अब मेरी सिस्टर की तबीयत थोड़ी ठीक है, उसे मैंने दलिया वलिया खिला दिया है। तो अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं नहा लूँ, क्योंकि 12 भी बज गए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। बट आज मैं नहाने से पहले आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा हेयर मास्क, क्योंकि हमें हफ्ते में एक बार हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हेयर रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं एंड इसका मॉइस्चर भी चला जाता है। हमें वीकली बेसिस पे ना अपने हेयर पर हेयर मास्क जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से हेयर मास्क लगा लेते हैं। फाइनली मैंने यहाँ पर हेयर मास्क अप्लाई कर लिया है एंड बन बना लिया है। अब मैं सोच रही थी कि मैं गीजर ऑन कर लूँ ताकि मैं नहा सकूँ, लेकिन इस टाइम पे कट गई है लाइट, मुझे थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। पता नहीं शायद अभी 5-10 मिनट में आ जाए, तब तक के मैं आपको मिलाती हूँ किसी से। एक्चुअली मेरी सिस्टर ही है। हाँ तो सिस्टर, कैसी है अभी तबीयत? है मजेला है? निकल रही है क्या? वही एक्चुअली इसको लूज मोशन लग गए थे, इसलिए आज इस तरीके से ये बेड पर पड़ी हुई है। हाय गाइस, तो क्या चल रहा है? बस आई एम वाचिंग द नाइटमैन। द नाइटमैन मेरे से छुप छुप के कौन सी वाली वेब सीरीज देख रही है? द नाइटमैन, मेरे को तो बता ही नहीं। कौन सा पर्सन है भाई यहाँ? ये मेरा पांडा है। बिल्कुल तेरी तरह नहीं लग रहा है। हाँ, मेरा पांडा है। चलो ठीक है, लाइट कट गई यार, शावर बोल रही हूँ, गीजर चालू करना था मुझे। अब ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। क्यों, थोड़ी देर रुक जाना, आ जाएगी लाइट। कौन सी सदियों की ली गई है?
जॉब कर भी नहीं है। बहुत सारे सूट भी तो करने थे। बहुत सारे सूट कर लेना, कौन सा टाइम जल्दी चला जाएगा। अब गर्मी के दिन आ गए, दिन बड़े हो गए। देख क्या शूट कर रही है तू, पर्दा क्यों दिखा रही है? ठीक है तो हम दोनों का मुंह दिखा देती हूँ। फाइनली लाइट आ गई है, तो अभी मैंने गीजर चालू करके नल ऑन कर दिया है। अभी पानी थोड़ा हल्का सा कुनकुना सा गर्म होगा तब मैं नहा लूंगी एंड अपने हेयर को भी वॉश कर लूंगी। उसके बाद जो सॉफ्ट होंगे ना मेरे हेयर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ एंड मैंने अपना ना स्किन केयर भी कर लिया है। एंड मेरे साथ एक ना बहुत बड़ी चोट हो गई, पता है मेरे को अभी एक वीडियो शूट मतलब अपलोड करना था। मैंने पूरा एडिट वगैरह सारी चीज़ें करके रखी थी, जैसे ही मैं अपलोड के पास में गई वो वीडियो ही मेरे से गलती से डिलीट हो गई। अब मतलब मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई यार, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। किस किस के साथ ये चीज़ हुई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अभी मेरे हेयर गीले है तो मैं सोच रही थी कि इसे मैं ड्रायर से ड्राई कर लूँ, बट ये हमारी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है कि हम डेली बेसिस पे ड्रायर यूज़ करते हैं, ये रॉन्ग थिंग होता है। जब हमें कहीं जाना ही नहीं है तो ड्रायर से हेयर ड्राई करके क्या मतलब, फिर फालतू में जो हमारे हेयर रहेंगे वो डैमेज होंगे। उससे बेटर है ना कि हम अपने नेचुरल हेयर्स में ही अपने हेयर को ड्राई होने दें। अगर कभी जल्दी जाना हो तो बात अलग है, बट डेली बेसिस पे हीटिंग टूल्स यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग है। गर्मियों के टाइम पे ना स्किन केयर के भी कुछ अलग ही मज़े होते हैं, और थोड़ी गर्मी पड़ने लग गई है तो मैंने यहाँ अपने शॉर्ट्स भी निकाल लिए हैं। तो मुझे अब और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने लगा है। तो बस अभी ना पता है अभी कितने बज रहे हैं, एक मिनट में बता रही हूँ कितने बज रहे हैं, टाइम तो दिखा दे। हाँ अभी 2 बज रहे हैं, मुझे 12 बजे जाना था नहाने, लेकिन लाइट कट गई थी और कुछ आधा घंटा एक घंटे करीब लाइट कटी रही, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। अभी मेरे को अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स शूट करना है, और तब तक के मैं अपनी दीदी के साथ देख रही थी द नाइट मैन। सीरियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ये वाली वेब सीरीज़ देखने में, तो मैं अभी इसको कंटिन्यू करूँगी। बट उससे पहले हम अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स शूट कर लेते हैं। यहाँ पे शूट के लिए मैंने अपने ड्रेस चेंज कर लिए है, बट जो मेरे हेयर है वो भी ड्राई नहीं हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा धूप में जाके इसे ड्राई कर लेती हूँ। लेकिन कॉम करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो आपका कॉम हो वो हमेशा क्लीन हो, कभी भी ना गंदे वाले कॉम से हेयर कॉम नहीं करने चाहिए। उससे जो बैक्टीरिया रहते हैं वो हमारे हेयर में आ जाते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज भी होते हैं जिससे हमारे हेयर। अभी ना हमको भूख लग रही है एंड अभी बज रहे हैं 3:30, तो मैंने ज़्यादा रेस्ट नहीं किया, बस एक यूट्यूब का शॉर्ट एडिट किया था और उसे ही अपलोड किया है। तो अभी मैं सबसे पहले चेंज कर लेती हूँ अपने कपड़े एंड फिर जाऊँगी मैं किचन में पोहा बनाने। वैसे मुझे मेरे हाथ का पोहा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मेरे पेट में बहुत तेज से गुड़गुड़ हो रही है मम्मी। फाइनली मेरा पोहा बन गया है एंड कितना ज़्यादा टेस्टी यमी और लजीज है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं और मुझे मेरे हाथ का पोहा जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद। तो आइएगा कभी झीलों की नगरी भोपाल में, तो मैं अपने हाथों का पोहा बना के खिलाऊंगी आपको। एंड मम्मी पापा के ना रहने का यही नुकसान होता है कि जो हमारी डाइट रहती है वो प्रॉपर नहीं रहती, हम कभी भी कुछ भी बना के खा लेते हैं। So yummy. मैं चाहे कुछ भी गंदा बनाऊं पोहा हमेशा अच्छा बनाती हूँ। इवनिंग हो गई एंड
काफी टाइम से मैंने अपना हेयर टाई करके रखा है, तो अभी ना मेरे सर में थोड़ा दर्द देने लगा है, हेडेक सी होने लगी है। इसलिए कभी भी इतने टाइम तक के ना हाई पोनी करके नहीं रखना चाहिए, आप नॉर्मली एक क्लेचर लगा लीजिए, जूड़ा बना लीजिए। लेकिन हाई पोनी से क्या होता है, पूरा जो वेट रहता है वो यहाँ पर आ जाता है एंड उसके बाद हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो अभी ना मुझे कुछ काम था, मतलब कल शिवरात्रि है ना, तो उसके लिए कुछ सामान मेरे को मार्केट से खरीदने जाना था एंड अभी इतनी ज़्यादा इवनिंग हो गई है, मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे कुछ काम भी है। तो अभी मैं फ़िलहाल अपना पूरा ये मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, देन उसके बाद में मैं अपना काम करूँगी फटाफट से। बताना भूल गई थी कि मैं गई थी एक शादी में, मेरी एक पुरानी कलीग थी तो उनकी वेडिंग थी आज, तो आज मैं वहाँ पर गई हुई थी, तो मैं वहाँ से आ चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 10 नहीं, अभी बज रहे हैं रात के 11 एंड अभी तो मैं अभी फटाफट से अपनी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ एंड स्किन केयर देन हेयर केयर, उसके बाद सो जाऊंगी। जाने से पहले अपने हेयर को टाई कर लेना चाहिए, नहीं तो उलझने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले मैं करूंगी दो पार्ट्स में इसको डिवाइड। देखो यार, आज के टाइम पे ना हेयर फॉल होना काफी ज्यादा नेचुरल है, हर किसी के होते हैं एंड ना हेयर फॉल को कंट्रोल करने का कोई भी तरीका नहीं है, बट जितना भी हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं ना। इसलिए मैंने बनाई है ये टू पार्ट डिवाइड करके, यहाँ पर ऐसा रोल रोल कर लिया है एंड अब ना मैं नीचे से स्टार्ट करूंगी कॉम करना। इसमें क्या होता है कि हेयर जो है वो काफी अच्छे से सुलझ जाते हैं और बहुत ज्यादा हेयर फॉल भी नहीं होता है यार, थोड़े बहुत तो हम बचा ही सकते अपने हेयर। मैंने आज दिन में जो हेयर मास्क अप्लाई किया था उसके वजह से मेरे हेयर में काफी ज्यादा टेंगल नहीं बने हैं, थोड़े बहुत ही बने हैं, उसे हम अभी कॉम करके सुलझा ले रहे हैं, वरना अभी तक के मैं अपने हेयर में उलझी रहती। तो रात के 11:30 बज चुके हैं एंड अभी काफी ज्यादा रात भी हो गई है। मेरी बहन ने ना सही कहा था कि मैं काफ़ी वर्ड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, कोशिश करूँ कि उसे कंट्रोल करूँ एंड हाँ, तो 11:30 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं सोने। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर ही दीजिएगा ताकि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो पर मिल पाए। बाय, गुड नाइट।